लाइफ इजी है हम लोग बहुत बार सुनते हैं, लेकिन लाइफ बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। बहुत बार रिलेशन सिंपल होने के बावजूद भी उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी प्रकार का रिलेशन हो। खुद को और दूसरों को समझना अगर आप चाहते हो, लाइफ को अगर आप इजी बनाना चाहते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, इंप्रेस करना चाहते हो और उसके साथ कंपैटिबल होना चाहते हो, तो ये जानना काफ़ी नहीं है दोस्तों कि हमारे खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि हम ह्यूमंस के इमोशनल नीड्स क्या है। इन इमोशनल नीड्स को समझना होगा ताकि आप इस पर्पज को अचीव कर सके। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये सारे इमोशनल नीड्स समझ लीजिएगा ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सके, किसी को इन्फ्लुएंस कर सके और दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से बना सके। लाइफ बहुत इजी हो जाएगी दोस्तों। तो आज मैं आपके बारे में बात करने वाला हूं, आपके नीड्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते हैं। ये नीड्स सिर्फ आपको ही नहीं है बल्कि दुनिया में रहने वाला हर वो इंसान, फिर वो चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, या कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो या अनसक्सेसफुल पर्सन हो, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो। और यहाँ पे मैं कोई बेसिक नीड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर, जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, बल्कि मैं आज उन साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उन इमोशनल नीड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बेस पे आप सारे डिसीजंस, आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए सिगरेट पीना, नशा करना हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, कुछ यूनिक कपड़े पहनना हो, अजीब अजीब से हेयर स्टाइल्स बनाना हो, सोना हो, उठना हो, काम करना हो या नहीं करना हो, टाइम पास करना हो, किसी से झगड़े करना हो, या कोई भी प्रकार के एक्शंस, बिहेवियर जो आप लोग करते हैं ना दोस्तों, इन सारे नीड्स को पूरा करने के लिए ही करते हैं। अब ये नीड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए, इन नीड्स को पूरा करने में बहुत बार हम हमारे गोल्स को ही भूल जाते हैं, हमारे गोल्स को ही क्विट कर देते हैं, हमारे लव वंस होते हैं उनको हर्ट कर देते हैं, लाइफ कई बार स्पॉइल भी कर देते हैं, यानी वो भी करते हैं दोस्तों जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इन सारे नीड्स को पूरा करने में हम न जाने किस तरह के बिहेवियर और एक्शंस, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, दोनों तरीके के एक्शंस बार बार लेते रहते हैं। अब इसीलिए दुनिया के ग्रेट मोटिवेशनल गुरु टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हम लोगों को इन नीड्स को समझना होगा, इनको पूरी तरह से डेप्थ में हम लोगों को समझना होगा ताकि हम अपने एक्शंस और बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ सके, उसको कंट्रोल कर सके और साथ साथ दूसरों को भी समझ सके, जो हमारे सामने इंसान है उसको भी समझ सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और हर किसी के साथ कंपैटिबल हो सके, उनके एक्शंस बिहेवियर पर हम इम्पैक्ट कर सके। जो अगर आप समझ गए ना दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और इम्प्लीमेंट करना भी सीख गए ना, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कुल मिला के टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि टोटल 6 इमोशनल नीड है जो हर किसी के डीएनए में होती है, प्रायोरिटी उसकी बदल सकती है, लेकिन ये नीड्स, 6 नीड्स हर इंसान में होती है। तो कौन कौन से नीड होती है? पहली नीड होती है सर्टेनिटी, ये होता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी और कंफर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि हम लोग सेफ रहना चाहते हैं, कुछ सिक्योरिटी हम लोगों को चाहिए। डेप्थ में देखेंगे आने वाले सारे एपिसोड्स में, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इमोशनल नीड कौन कौन से है ये बताऊंगा। दूसरा होता है वैरायटी, हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, हम लोगों को सरप्राइजेस चाहिए, कुछ एडवेंचरस चाहिए। तीसरा होता है सिग्निफिकेंस, यानी सेंस ऑफ यूनिकनेस, हम सब लोगों को इम्पॉर्टेंट फील करना, स्पेशल फील करना बहुत पसंद है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी सिग्निफिकेंस को फील करने के लिए हम लोग हमारे एक्शंस और बिहेवियर बदलते रहते हैं, करते रहते हैं। उसी प्रकार से लव एंड कनेक्शन बहुत सिंपल है, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग और सपोर्ट, हम लोगों को सब लोगों को प्यार चाहिए, हमारे दोस्तों से चाहिए, वाइफ से चाहिए, गर्लफ्रेंड से चाहिए, हर किसी से हम लोगों को लव एंड कनेक्शन चाहिए, तो ये भी एक नीड है। चौथा है ग्रोथ, अ डिजायर टू लर्न एंड ग्रो एंड इवॉल्व, यानी हम लोगों को ग्रोथ चाहिए लाइफ में, ये भी एक बहुत बड़ी नीड है। और उसी के साथ साथ सिक्स नीड जो होती है वो कंट्रीब्यूशन की होती है, यानी हम लोगों को शेयर करना पसंद है, हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना बहुत पसंद होता है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ इस 6 इमोशनल नीड वीडियो सीरीज में, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वीडियो सीरीज क्या है, ये इमोशनल नीड्स क्या होते हैं, इसको लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारा मैं इस वीडियो सीरीज में आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।